Hey guys, this is Amit and you watching Take 90 और sorry क्योंकि पिछले तीन दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं क्योंकि आपके भाई को एक गाड़ी ने ठोक दिया था पीछे से। बट एक्सीडेंट में इतना कुछ हुआ नहीं, बस मेरे पाव का हड्डी टूट गया है और हाथ में भी थोड़ा बहुत चोट लगा है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए हर दिन एक नया कंटेंट लाने की। तो बस आज का जो कंटेंट रहने वाला है वो हमारे रहने वाला है बॉर्डर लाइट के ऊपर। तो बस बॉर्डर लाइट कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप भी आपके फोन के नॉर्मल वॉलपेपर से तंग आ चुके हैं तो आप इस बॉर्डर लाइट को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि आपके फोन को एकदम एक धुआंधार लुक देगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस प्रीव्यू तो आपने देख लिया, तो अब बात करते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक है, तो उसको जाके आप इंस्टॉल कर लेना। तो ये रहा वो एप्लीकेशन, इसका नाम है बी, बस आइकन के ऊपर बी लिखा है, इसका नाम बॉर्डर लाइट है। जो भी हो तो इसको इंस्टॉल कर लेना आप। तो इसको कर लेते हैं हम ओपन। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एक्टिवेट करने का ऑप्शन, तो एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे नीचे सेट वॉलपेपर का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे एंड इसको आप होम स्क्रीन में भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ होम एंड लॉक स्क्रीन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा हम इसको होम स्क्रीन में अप्लाई कर लेते हैं। वो हमारा जो होम स्क्रीन में अप्लाई हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि आप ऊपर देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे काला काला आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ठीक से ये मेकअप नहीं हुआ और इसका जो नॉच है ये ठीक तरह से मेकअप नहीं हुआ और नीचे की तरफ भी सेम कैसा। तो इनको पहले ठीक करेंगे हम। तो फिर से एप्लीकेशन में जाएंगे तो हम ये खुद की तरह से एडजस्ट करेंगे अभी। तो सबसे पहले ये जो है ये स्पीड के लिए है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसका बढ़ाता हूँ ना तो बहुत तेज़ी से घूमने लगता है ये, जैसे घटाता हूँ तो स्पीड एकदम घट जाता है। तो इसको पूरा रहने दे क्योंकि ऐसे देखने में अच्छा लगता है। ये है इसको आप मोटा कर सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं इसकी मदद से, तो हम इतना साइज रहने देते इसमें। और ये जो है बॉर्डर इन लॉक स्क्रीन है, तो क्या अगर लॉक स्क्रीन में आपने इसका अप्लाई कर रखा है तो ये बॉर्डर आपके लॉक स्क्रीन में काम आएगा, बट ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है। टॉप कॉर्नर को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे घटाएंगे, जैसे कि हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं ना तो ऊपर देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मतलब ये आ जाता है, जिसको हम मेकअप करेंगे तो इतना रहने देते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाएगा ऐसे। और नीचे वाला है बॉटम के लिए, तो इसको बढ़ाते हैं हम। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे रहने देते, तो ये परफेक्ट हो गया। तो हमारा टॉप कॉर्नर और जो बॉटम है ये परफेक्ट हो गया अभी। तो अभी नॉच को ठीक करेंगे, तो यहाँ पर शो नॉच सेटिंग्स है, इस पर क्लिक करना है, इसलिए नॉच हाइट को थोड़ा सा ऐसे इतना कर लेते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन को बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब आपका जो ऊपर जो कि रेडमी नोट 6 प्रो एक डिवाइस आता था उसमें एकदम आईफोन की तरह नॉच आता था, तो उसमें आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे घटा लेंगे क्योंकि हमारा नॉच डॉट नॉच है। और नीचे वाला ऑप्शन कुछ इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं, बट इसको हम छोटा कर लेंगे इस तरह से, इतना नीचे वाला थोड़ा सा इतना कर लेते हैं हम। और ऊपर वाला जो है इसको एकदम ऊपर उठा देते हैं, इतना रहने देते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम इतना करके। बहुत हद तक मेकअप हो चुका है देख सकते हैं सब। तो आज इस सेटिंग को कर लेना तो काम हो जाएगा आपका पूरी तरह से, नॉच और बॉटम टॉप एकदम परफेक्ट हो जाएगा। टोटल हमने इसको अप्लाई कर लिया है और ये जो आपका ब्लैक हो गया ना ये वॉलपेपर, इसको एक बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं हम। तो आपको फिर से एप्लीकेशन में जाना है एंड यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको एनेबल बैकग्राउंड इमेज, इस पर क्लिक करना है और एक फ़ोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये फ़ोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। तो हमारा अप्लाई हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा जो आपका वॉलपेपर है थोड़ा सा डार्क रहेगा, जिसकी मदद से आप अपना जो बॉर्डर लाइट है और भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और कलर सिलेक्शन भी आप अपने खुद की तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो कलर है यहाँ पे सब कलर है, यहाँ पे व्हाइट सब है। तो इसको हम जैसे घटाते हैं गाइस देख सकते हैं, इसका जो रेड वाला पोर्शन है थोड़ा सा आपको कम लगेगा यहाँ पे, जैसे हम रेड को बढ़ाएंगे तो रेड का पोर्शन ज़्यादा लगेगा देख सकते हैं यहाँ पे। और सभी एक ही जैसे हैं यहाँ पे, जैसे ग्रीन है ब्लू है, तो सबको आप खुद की तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ओके कर लेते हैं। तो गाइस इतना ही तो इस वाले वीडियो के लिए, और अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और हम किसी और नए वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।